नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रहे होंगे। मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि एंजॉय पोथोस को हम किस तरह से बुशी बना सकते हैं, लॉन्गर बना सकते हैं और वो कौन सी केयरिंग इम्पॉर्टेंट केयरिंग टिप्स है फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ ऐसी बातें हैं फ्रेंड्स जिनका हमें अगर हम ध्यान रखते हैं उन बातों का, तो हमारा भी ये जो प्लांट है फ्रेंड्स एंजॉय पोथोस का बहुत ही ज़्यादा घना, और ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा ये प्लांट लॉन्ग इस तरह से अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो बास्केट तैयार किया था, देखिए पूरा ही ये भर चुका है, कितना ज़्यादा ये बुशी सा हो गया है। और नीचे में देखिए फ्रेंड, और बहुत ही ज़्यादा देखिए लाइट वेट ये मेरा बास्केट है, और इसके ये देखिए फ्रेंड्स नीचे में भी कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए नीचे की तरफ लटक रहे हैं, और इसका पैटर्न फ्रेंड्स ये होता है कि नीचे की जो पत्तियाँ होती है वो छोटी छोटी होती है, और ऊपर की तरफ इसकी जो लीफ होती है ये बड़ी बड़ी सी होती है। देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी, और नीचे की तरफ ये देखिए ऐसी छोटी छोटी इसकी ये लीफ होती रहती है। तो इस पैटर्न से ये बढ़ता है, और फ्रेंड जब भी हम इसकी जब पॉटिंग सॉइल तैयार करें वो बहुत ही ज़्यादा रिच होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए और पोरस भी होने चाहिए। और देखिए फ्रेंड इसमें से जो ब्रांचेस निकलती है तो उन्हें ऐसे ट्विस्ट करके हम इसे इसमें हम इस तरह से इसे हम फिक्स करते जाएंगे। इस तरह से इसमें जो एरियल रूट्स होते हैं वो जैसे ही हम दबाएंगे तो वो मिट्टी के अंदर वो अपनी पकड़ फ्रेंड्स बना लेते हैं, और ऊपर से जो हमारा ये जो प्लांट है ये बुशीसा होते जाता है, और साइड से फ्रेंड इस तरह से फिर इसकी ये ब्रांचेस निकलती जाती है। जब भी हम इसकी बास्केट तैयार करेंगे फ्रेंड्स तो उसे किस तरह से लगाना है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से इसके हमें कटिंग्स लेना है और कैसे इसे लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये देखिए एरियल ये रूट्स यहाँ से निकलती है, तो वहाँ से इसकी ब्रांचेस हम ऐसे इस तरह से पहले कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने ये चार पाँच यहाँ से मैंने ये ब्रांचेस कट कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये ब्रांचेस कट कर दी है, और यहाँ पे जो एरियल रूट्स निकल रही है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से ऐसे हम इस तरह से सारे इसकी ये सिंगल सिंगल लीफ हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसे हम कट करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिंगल लीफ ले ली है, देखिए नीचे से ऐसे रूट निकलते हैं, उसके साइड की जो ये ब्रांच है फ्रेंड्स ये देखिए इसे हम कट कर देंगे, और ये ऐसे सिंगल सिंगल लीफ जो है इस तरह से हम सबको रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने पॉटिंग सॉइल ली है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो इसमें मैंने एक पार्ट मैंने इसमें गार्डन सॉइल, वन पार्ट इसमें मैंने कोकोपीट, और वन पार्ट मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा देखिए फ्रेंड्स कितनी हल्की और लाइट वेट मैंने यहाँ पर ये पॉटिंग सॉइल रेडी कर ली है। और फ्रेंड्स इसमें आप चाहो तो फंजीसाइड पाउडर थोड़ा सा, या फिर आपके पास में नीम खली है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ये देखिए अगर आपके पास में कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड भी इसमें मिक्स कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमें पॉटिंग सॉइल रेडी करना है। अगर आपके पास में हैंगिंग पॉट हो तो आप उसमें भी लगा सकते हो, मैं आपको इसमें लगा के दिखा रही हूँ ये वाले पॉट में। और देखिए फ्रेंड इस तरह से सिंगल सिंगल लीफ को हम इस तरह से हम दबाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम लगा देंगे पूरा ही जो ये हमारा ये पॉट है, ये पॉट को पूरा हम ये ऐसे सिंगल लीफ से पूरा भर देंगे। और ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स हमें बहुत ही ज़्यादा पोरस रखना है, जितनी ज़्यादा हमारी पोरस मिट्टी रहेगी उतनी ज़्यादा इसके रूट अच्छे से डेवलप होंगे, बहुत ही जल्दी हमारा ये जो एंजॉय पोथोस का प्लांट है बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स कितना हल्का लग रहा है ये उठाने पर भी, और इसमें अभी हम पानी मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पानी देकर इसे मैंने टोटली इसे शेड में रख दिया है, और ये देखिए फ्रेंड्स कुछ ही महीनों बाद में ये हमारे जो प्लांट्स हैं इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ऊपर से बुशी भी होते जाएंगे, और नीचे से देखिए इस तरह से इसके ग्रोथ भी होते जाएगी। और फ्रेंड्स अब मैं इसको इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है मैं आपसे अभी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड। तो अभी हमने इसमें तो वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छे से हमने इसमें मिला दिया है, और वो भी फ्रेंड्स जब हम एक बार लगाते हैं तो दोबारा इसमें नहीं भी अगर हम वर्मी कंपोस्ट या काउडंग डालते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छे से चलेंगे। हर 15 दिन में या हर एक महीने में इसमें हम DAP का पानी, जैसे DAP के ग्रैनुल्स को हम पानी में डायल्यूट करके अगर इसमें दे देते हर महीने, और हर 15 दिन में हम जैसे ये ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, उसका
रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है मेरे ये मनी प्लांट पे, इन्जॉय पोथर्स पे। मैंने इसमें मैं रेगुलर इसमें डालती हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि जो ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है वो एक तरह का NPK का ही काम करता है, और ये फॉलेज वाले ये प्लांट्स हैं तो इनमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा है, वो भी आप इसमें डाला करिए। अगर आप चाहते हो उसका वीडियो मैं आपसे शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं भी ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र कैसे घर में बनाते हैं तो मैं उसका वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी। और फ्रेंड जब भी आप इसमें पानी दें तो इसकी मिट्टी को पहले आप चेक कर ले, अगर ऊपर की मिट्टी अगर ड्राई हो जाए तभी आप इसमें पानी दें। और ये फ्रेंड्स एन्जॉय पोथोस का प्लांट सेमी शेड में बहुत अच्छे से चलता है, इसे मॉर्निंग के 1-2 घंटे की या दोपहर के 1-2 घंटे की धूप भी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा है। इसे आप ब्राइट सनलाइट में इसे आप रखिए, इंडोर में भी आप रख सकते हो, जहाँ पे सनी विंडो हो आपकी या फिर बालकनी, उसमें ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स सारी वो इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अपने एन्जॉय पोथर्स को बहुत ही ज़्यादा बोशी और लॉन्गर बना सकते हो। तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।